तत्तो राधा न जाने कहां चले गए सब लोग। रामो हे रामो। जी मालिक। माँ जी कहां? अपने कमरे में रामायण का पाठ कर रही हैं। और दत्तू कहां गया? और राधा क्यों नहीं नजर आ रही? साहब वो दोनों तो शाम को चले गए। चले गए? कहां गए? बस्ती, अपने घर। अपने घर? तो थाले क्यों लाई हो तुम? क्या करूं भैया, आदत जो पड़ गई है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये घर तो सूना सूना सा लग रहा है। ले जा राधा, मुझसे खाया नहीं जाएगा, तू खा ले। नहीं भैया, मुझे भी भूख नहीं है। जानता हूँ रे पगली, मैं क्या करूं? जाते जाते मैं जो हमारी भूख भी चूरा कर लेगा। दत्तो अजू, तू और इतनी रात गए यहाँ? क्यों, इतनी रात को यहाँ आने के लिए अब तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? अरे कैसी बात कर रहे तू? राधा राधा सुना तुमने? अरे पगले, ये तेरा अपना घर है। अपना घर? मैं भी यही समझता था कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब अपना है। लेकिन आज तुमने एहसास दिला दिया है कि मैं तुम लोगों के लिए पराया हो गया हूं। मैं इस घर से क्या गया, तुम लोगों के दिल से निकल गया। कैसी बातें कर रहे पगले तू? देख मुझे गलत मत समझना, अरे हम तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, तेरे महल में नींद नहीं आएगी। वाह, तुझे नींद नहीं आएगी उस महल में? तुझे नींद नहीं आएगी और मैं आराम की नींद सो पाऊंगा? देख दत्तू, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूं, बहुत ताटक हो गया, अब चल मेरे साथ चल। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर राजू, अरे आज तू स्टार बन गया, समाज में तेरी इज्जत है, सोसाइटी में तेरी पोजीशन है। कहा था तेरा ये समाज, ये सोसाइटी, जब मंगलू काका मुझे फुटपाथ से उठाकर ले आए थे। शहर की सड़कों पर ठोकरे खा खा कर हम लोग पड़े हुए, और आज आज जब मैं स्टार बन गया हूँ तो तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। फासले पड़ जाने से दिल का प्यार कम नहीं हो जाता राजू? ये कुदरत का दस्तूर है मेरे यार, फूल और कांटों का साथ डाली तक ही होता है, गुलदान में तो सिर्फ फूल ही सजाए जाते, और मुसाफिर को किसी ना किसी मोड़ पर बिछड़ना ही पड़ता है मेरे यार। अरे अरे अब तू बड़ा आदमी बन गया, मेरे बंगले में बड़े बड़े लोग तुझे मिलने आएंगे, हमें वहां देखकर क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें होगी, तू परेशान होगा मेरे यार, और कब तक हमारा बोझ उठाते रहेगा तू? किसी ना किसी दिन मजबूर होकर गुस्से से तू कहेगा, तू तू और राधा कहीं और इंतजाम कर ले, निकल जाए यहां से। दत्तू 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 मेरे दोस्त मेरे यार, ये तूने कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया? दौलत मेरे पास आई और दिल तेरा छोटा हो गया रे। दौलत से इंसान अपना लिबास बदल सकता, अपना रुतबा बदल सकता, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बदल सकता। और मैं कैसे भूल जाऊं कि इसी घर में राधा ने एक छोटे से बच्चे को अपने हाथों से रोटियां खिलाई थी, और कैसे भूल जाऊं कि हमने अपने आंसू भी बांट बांट कर पिए थे, चिलचिलाती धूप में एक दूसरे का साया बनकर चलते थे, मेरे होठों पे तेरी हंसी थी, मेरे स्टार बनने का ख्वाब मेरी आंखों से ज्यादा तेरी और राधा की आंखों ने देखा था। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत, ऐसी शौहरत जो मुझे मेरे अपनों से छीन ले। मैं भी जाकर बंगले को ताला लगाकर मां को लेके आता। नहीं राजू, नहीं, मुझे माफ कर दे राजू, मुझे माफ कर दे, आज तेरे थप्पड़ ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे राजू, मुझे माफ कर दे दत्तू, माफ कर दे राजू। मैं कहती थी ना भैया, दुनिया बदल जाएगी मगर हमारा राजू नहीं बदलेगा।
चलो राजू, हम सब अपने नए घर चलते हैं। हाँ हाँ, फटाफट।